फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लेके आ गए हैं आपके दूसरे यूनिट का पहला वीडियो, जो कि पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमको अपने इस दूसरे यूनिट यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको कौन कौन से टॉपिक किस क्रम से पढ़ने हैं। तो हम उसी के बारे में आज अपना पहला टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि अपरमाणविक कणों की खोज। तो अपरमाणविक कणों की खोज, अब हमें एटम्स के अंदर जाना है। अभी तक जो डाल्टन्स थ्योरी थी वो कह रही थी कि जो कण होते हैं यानी जो एटम होते हैं परमाणु, वो अविभाज्य है ना, वो एटम अविभाज्य है, जो कि डाल्टन ने बताया था 1808 में। तो उसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स थे, माने फंडामेंटल मूल पार्टिकल्स जो उन्होंने एटम बताया था, उससे भी छोटे कण की खोज हुई हो, की खोज किस तरीके से हुई, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम ही है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब अपरमाणविक कणों की खोज। तो देखिए, जो पहले है इसको देखते हैं, ए कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन्स। सीधा ना बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है डाल्टन के, जो डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया था, उससे एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत हटके है। उन्होंने बताया था, पहली बात तो उन्होंने यही बताया कि एटम्स किसी भी पदार्थ या किसी भी यौगिक का जो फंडामेंटल पार्टिकल बताया कि मूल कण है एटम, लेकिन यहाँ पे उससे भी मूल कण का आविष्कार हुआ, तो उसी को उसीलिए यहाँ पे लिखा गया ए कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन्स। मतलब की एक सिद्धांत जो डाल्टन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। तो उसी के बारे में देखिए आगे क्या है, एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस। क्या कह रहे हैं देखिए, एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस। हम कहें तो ये सीधे कह रहा है कि ये जो परमाणु के अंदर की संरचना है वह कैसे हमने प्राप्त किया, मतलब साइंटिस्टों ने उस परमाणु की अंदर की संरचना को किस तरीके से प्राप्त किया, उसका मेथड था फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कौन से एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी विद्युत विसर्जन, विद्युत को प्रवाहित किया, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत और इसका मतलब होता है विसर्जन। मतलब वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किया, अनेक एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें क्या किया, सिर्फ विद्युत का, इलेक्ट्रिक का विसर्जन किया, इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया थ्रू गैस, एक गैस, कोई भी गैस लेके इन्होंने उस गैस के अंदर विद्युत को प्रवाहित किया, जिससे हमको एटम के अंदर जो गैस के एटम्स या किसी के एटम्स, गैस के एटम्स करते हैं, उससे जो उनके अंदर की हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि किसी गैस के अंदर हम इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया। तो वही कि द एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस। मतलब जो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, मानी एटम के जो परमाणु का अंदर का स्ट्रक्चर था, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का गैस माध्यम में, यहाँ कह सकते हैं गैस के द्वारा थ्रू गैस, मतलब कि गैस ने इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करके उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एटम का जो परमाणु का स्ट्रक्चर है अंदर से वो किस तरीके का है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज के बारे में हम पढ़ने के लिए, उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, उनकी एक फंडामेंटल गुण होता है, जैसे कोई भी हो तो उसका कोई ना कोई गुण तो होगा। अब जैसे हमने परमाणु बताया था, माने एटम, तो एटम के भी फंडामेंटल पार्टिकल बताए थे डाल्टन्स ने, जब अपनी थ्योरी दी थी उसमें एटम्स के गुण बताए थे ना, कि एटम अविभाज्य होता है, एटम के मिलने से, विभिन्न एटमों के मिलने से मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ये बताया था ना, ऐसे ही और भी दो तीन चीजें बताई थी। फिर हम उसी तरीके से हम बात करते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल हो तो वो कौन सा गुण रखता है, कौन से गुणधर्म उसके होते हैं। तो देखिए क्या है, फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल कोई आवेशित कण का जो फंडामेंटल मूल बिहेवियर, मूल व्यवहार होता है, कि कहां पे वह किस तरीके का व्यवहार करता है, उसके बारे में देखिए क्या लिखा गया, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो डिफरेंट मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए,
लाइक चार्ज रिपेल मतलब होता है प्रतिकर्षित, इसका मतलब होता है प्रतिकर्षित। लाइक चार्ज रिपेल इच द, मतलब जो समान चार्ज होते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज कितने प्रकार के हमने पढ़े, दो ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो जो अगर लाइक चार्ज मतलब प्लस 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 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, आप कहीं भी देखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज की ना बात करें, आप चुंबक तो आपने सब लोगों ने जब हम छोटे थे बच्चे तो सबने चुंबक के साथ खेला होगा ना, तो चुंबक में क्या था, जब कभी भी हम देखते थे कि चुंबक ऐसे लगाए तो साथ में चपक जाते थे, ऐसे मान लीजिए चुंबक दो हो साथ में लगाए चपक जाते थे, और कभी कभी ये एक दूसरे से चपकते थे, दूसरों को दूर ढकेलते थे ना, तो तभी होता था कि जब उसका जो सेम पोल मतलब सेम ध्रुव था वो साथ में आता था तब वो एक दूसरे को रिपेल करता था, लेकिन जब अनलाइक ध्रुव आते तो एक दूसरे में चिपक जाते थे। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से जो चार्ज होते हैं वो अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो एक दूसरे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाया जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्ष मारेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे कि हमारे पास ना आए दूर जाए, और अगर डिफरेंट को लाया जाए एक प्लस एक माइनस तो वो एक दूसरे में आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित। अट्रैक्ट ईच अदर, और जो समान चार्ज वो विपरीत चार्ज होते हैं मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। तो यही होता है हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं यानी फंडामेंटल मूल आवेशित कण होते हैं, उनके जो बिहेवियर उनका जो व्यवहार होता है वो ऐसा ही होता है कि जब वो समान कोई दो चार्ज समान आवेशित होंगे मतलब प्लस आवेशित होंगे, मतलब कह सकते हैं उनमें अगर प्लस आवेश होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब दूर दूर भेजेंगे, और अगर डिफरेंट चार्ज होगा एक प्लस है दूसरा माइनस है तो वो एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे, आपस में बंधने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में जो हमारा फंडामेंटल मूल कण, पहला जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, परिचित तो सभी है इलेक्ट्रॉन से, अब कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं तो सभी को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पता होगी। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खोजा कैसे गया, तो हेडिंग है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे, कैसे इलेक्ट्रॉन हमारे जानने में आया, इलेक्ट्रॉन को साइंटिस्टों ने किस तरीके से खोजा, उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे कोई भी साइंटिस्ट ने ये विद्युत विसर्जन बताने कि किसके कारण हुई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज, विद्युत विसर्जन के द्वारा गैसों में, तो उसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं विद्युत विसर्जन नलिका का। और इसी में हम बताया था जब हमने टॉपिक लिखवाया था पहले वीडियो में तो उसमें यही बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैथोड रेज, है ना, कैथोड रेज के बारे में बताया था कि हम कैथोड रेज पढ़ेंगे। तो अब बात कैथोड रेज की आ गई कि कैथोड रेज उत्पन्न कहां से हुई है उसके बारे में हम देखते हैं, और उसी में हम इलेक्ट्रॉन को पता करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई है। तो हमारी हेडिंग है पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई किस तरीके से, हमने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज के लिए हमें डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल करना पड़ा ना गैसों में, मतलब गैसों में हमने विद्युत को विसर्जित करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी की खोज की है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज में इन 1830 मतलब 1830 में माइकल फैराडे सोच दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य, क्या कह सकते हैं विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं, विद्युत अपघट्य एक सॉल्यूशन होता है जिसमें डिफरेंट चार्ज का सॉल्यूशन होता है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है उसमें जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ इन्वर्टर की बैटरी उसमें भी यही मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट ही उसका बेस होता है, मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए क्या माइकल फैराडे सोच दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, मतलब
माइकल फैराडे बताया ना कि सब एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहते थे, रुकते नहीं थे कभी, कुछ भी मिल जाए तो उस पर बराबर एक्सपेरिमेंट हर साइंटिस्ट करते रहते थे। तो उसी में से माइकल फैराडे, जिनका नाम बहुत से एक्सपेरिमेंट ने किए, बहुत से नियम इनके हम पढ़ते भी हैं, तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइकल फैराडे सोच दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर एक विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन से हम उसको प्रवाहित करते हैं, इसको देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत को प्रवाहित करते हैं, अगर विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन है और उसमें से हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत मतलब विद्युत उसमें चलती है, तो केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, मतलब उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अगर आप कभी प्रयोगशाला में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब इलेक्ट्रोड विभव यानी विद्युत विभव निकालते हैं हम, तो उसमें दो छोटे छोटे बॉक्स दिए जाते हैं, जिसमें एक पानी में डूबा होता है इधर और एक दूसरे बॉक्स में डूबा होता है, क्या बोलते हैं उसको, छड़, जैसे हम देख सकते हैं इन्वर्टर में ही देखिए कई खाने बने होते हैं ना, जिसमें एक हमारा प्लस वाला होता है, जो तार जुड़ते हैं ना, वायर, दो वायर जुड़े होते हैं बैटरी से, तो उसमें एक को पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, एक को कैथोड बोलते हैं और एक को एनोड, ठीक, तो वही उसी को कह रहा है इलेक्ट्रोड, इन दोनों को हम साथ में बोले तो इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव आवेशित होता है मतलब प्लस धनावेशित होता है और दूसरा निगेटिव यानी ऋणावेशित होता है। तो वही कहें कि केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के होते हैं, इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कब, जब विद्युत को विद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है, तब जो उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उसको इलेक्ट्रोड को हम हिंदी में भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो उन इलेक्ट्रोडों पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया क्या करती है, देखिए, विच रिजल्टेड इन द लिब्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का लिब्रेशन मतलब निकलना या पदार्थ निकलती है या डिपोजिशन मतलब जमा होती है, कहाँ पे, ऑफ द मैटर एट द इलेक्ट्रोड, मतलब उन इलेक्ट्रोड पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें या तो पदार्थ निकलती है या फिर पदार्थ एकत्रित होती है। यही होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में हम विद्युत को विद्युत अपघट्य विलयन में हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो जो उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उस पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें या तो पदार्थ बाहर निकलते हैं या तो पदार्थ इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होते हैं। फिर देखिए क्या होता है, बराबर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए, फैराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इलोक्यूटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज। देखिए फिर बताया है इसका मतलब इलोक्यूटेड मतलब निर्वातित, निर्वातित का मतलब हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे हवा ना हो उसको निर्वात बोलते हैं, जहाँ पे हवा ना हो उसको निर्वात बोलते हैं, निर्वातित। फैराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। हमने कैथोड रे के बारे में बात की थी कि हम अपने टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड के बारे में पढ़ेंगे, कैथोड रे के बारे में, तो वही आ गया हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब फैराडे ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया मैंने विद्युत विसर्जन किया किसमें, इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब, पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा निर्वात, कोई बॉक्स ले लिया उसमें कुछ हवा है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे हवा नहीं है, तो उसी बोलते हैं पार्शियली, मतलब बढ़िया से नहीं, हल्का कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो वही कि पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब नलिका में, एक नलिका ले जिसमें कहीं कहीं पे हवा थी कहीं कहीं पे हवा नहीं, तो उसी को निर्वातित इसलिए बोला पार्शियली निर्वातित, तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया मतलब विद्युत विसर्जन किया उसमें, उस नलिका में इन्होंने विद्युत विसर्जन किया, तो जो जाना जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उस नलिका को हम जानते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, बोलते हैं कैथोड किरण नलिकाएं। इसी को बोलते हैं कैथोड किरण नलिकाएं, ठीक। तो इन्होंने इसी का प्रैक्टिकल अभी हम आपको फिगर भी दिखाते हैं, बहुत बढ़िया फिगर है, तो नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसी ट्यूब को जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकल किया था उसी को हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो अब आप फिगर देख सकते हैं, कि फिगर में क्या चीज बताई गई, देखिए उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है, कि ये जो हमें इलेक्ट्रॉन की खोज करनी है उसमें देखिए इस कैथोड किरण का अरेंजमेंट, इनका ऑपरेटर मतलब कि इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, इस कैथोड ट्यूब की संरचना देखिए किस तरीके से इस कैथोड रे ट्यूब को बनाया गया है, एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, मतलब ये कांच के बने होते हैं, ये जो ट्यूब होते हैं कांच के बने होते हैं, कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल, मतलब इसमें जो ये दोनों देखिए साइड साइड में दोनों, एक रेड से दिखाया गया है एक ब्लू है हल्का ना, तो किस तरीके का है,
वो मेटल के पीस है, मेटल का टुकड़ा है, मतलब कि राड, उसको कह सकते हैं मेटल के राड है, कोई निश्चित मेटल है उसका राड है, तो कॉल्ड इलेक्ट्रोड, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बताने की बैटरी में जो इन्वर्टर की बैटरी में जो होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो वो दोनों मेटल के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द ग्लासेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। मतलब जो इलेक्ट्रिकल का डिस्चार्ज, जो उसमें इलेक्ट्रिकल हम प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवाहित करते हैं, वो किस रूप में, वो कब हम कर सकते हैं, जब हमारा प्रेशर कम हो और वोल्टेज ज्यादा हो। जब तक वोल्टेज ज्यादा नहीं होगी तब तक वो जो आपको कैथोड दिख रहा है उसमें से कैथोड किरण का, मतलब कैथोड है तो उससे जो किरण निकली उसको इसलिए हम कैथोड किरण बोलेंगे, जो उसमें से कैथोड किरण वो प्रवाहित नहीं, मतलब निकलेगी नहीं। और जब प्रेशर अगर हम ज्यादा कर दें तो वो जो किरण निकलेगी वो अपने आप से अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी ना, कि कभी हो सकता है ऊपर चली जाए, कभी बाएं हो जाए, कभी दाएं हो जाए, कभी नीचे हो जाए। इसलिए प्रेशर को कम करते हैं और वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि जितनी तेजी से वोल्टेज करेंगे किरण की स्पीड जो होगी उतनी तेज चलेगी, मतलब उतनी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी तेजी से किरण निकलेगी और तेजी से दूसरे माध्यम के दूसरे साइड में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये हमें जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्राप्त होता है ये गैसेस में, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रेशर बहुत कम हो और वोल्टेज, मतलब विभव बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तभी हम उसको प्राप्त, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, देखिए द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस, इसमें आप देख रहे होंगे एक निर्वात पंप लगा है ना, इवोकेटेड ट्यूब, वो किस लिए लगा है, उस पाइप, मतलब कि उस ट्यूब को निर्वात करने के लिए, जिससे कि प्रेशर भी उससे मैनेज होता है। देखिए द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवोक्यूशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, मतलब किसी भी गैस को हम ले सकते हैं, हमने बताया किसी भी गैस को हम उसमें ले सकते हैं, तो जो भी गैस लेंगे उसका जो प्रेशर होगा उसको हम उस इवोक्यूशन ट्यूब के द्वारा, मतलब निर्वात पंप के द्वारा मैनेज करेंगे, क्योंकि हमको प्रेशर मैनेज करना है। डिफरेंट डिफरेंट गैस की प्रेशर अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से गति करते हैं, इसलिए प्रेशर डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हम वो वहां पे निर्वात पंप लगाया गया है कि जिससे जो इवोक्यूशन ट्यूब के द्वारा खत्म हो सके, मतलब प्रेशर को हम मैनेज कर सकें, बहुत कम कर सकें। तो ये था हमारा, हमने फिगर देख लिया, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से हम उसको निकालेंगे, कि वो जो कैथोड किरण है वो निकले किस तरीके से। अब देखिए जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया, फिगर आपने देखा तो उसमें अरेंजमेंट कितना अच्छा था, तो जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया, मतलब विद्युत को जब हमने उसमें प्रवाहित किया, तो हमने देखा जब हमने इतनी पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज दे दिया, मतलब इतनी क्षमता उसको दे दी कि जो कैथोड था, कैथोड और इलेक्ट्रोड, सबसे पहले तो इसके चार्ज जान लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला है कि भूल जाता है कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है या एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये ध्यान दिया कैथोड मतलब कैटायन, सीएस समझे, कैटायन, कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन को एकत्रित करने वाला कैथोड, तो कौन एकत्रित करेगा कैथोड को, मतलब कैटायन कौन एकत्रित करेगा धनायन को, जो निगेटिव होगा। इसलिए फंडामेंटल रूल बताया ना कि फंडामेंटल बिहेवियर यही होता है, आयनिक पार्टिकल का जब विपरीत होगा तो एक दूसरे में आकर्षित होगा, और जब सेम चीज होगी तो रिपेल होगी। तो इससे समझिए कैथोड मतलब कैटायन को कैच करने वाला, एनोड मतलब एनायन को कैच करने वाला, ठीक है, मतलब कैथोड कैसे कहते हैं धनायन को पकड़ने वाला और एनोड ऋणायन को पकड़ने वाला। देखिए क्या बताया उसमें और क्या हुई, किस तरीके से इनका प्रैक्टिकल हुआ, तो जब अरेंजमेंट आपने समझा तो देखिए क्या, व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, मतलब उन इलेक्ट्रोडों के बीच में एक बैटरी लगी हुई ना, देखिए, तो जब आप फिगर में देखेंगे एक बैटरी होगी, तो जब उस बैटरी के थ्रू इतना वोल्टेज दे दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में जितनी उसको जरूरत थी कि वहां से वो किरणें निकल सके, तब देखिए क्या हुआ, व्हेन सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड के बीच में, तो क्या करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब देखिए जब इतनी मात्रा में हमको पोटेंशियल मिल गई, मतलब इतनी मात्रा में वोल्टेज दे दिया गया कि तब करंट मतलब धारा बहनी शुरू हुई। देखिए कहां से कहां तक धारा बही, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो करंट उसमें फ्लो कर रही थी, मतलब करंट जा रही थी, वो किस रूप में, एक धारा के रूप में, किसकी धारा, पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की एक धारा, मतलब एक साथ कई कण जा रहे थे, उसी को धारा बोलेंगे, एक पार्टिकल तो है नहीं, कई ढेर सारे पार्टिकल है, एक निश्चित कह सकते हैं एक निश्चित संगठन के रूप में जा रहे हैं ना, तो क्या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन ए ट्यूब, मतलब ट्यूब में, तब उस ट्यूब के अंदर वो पार्टिकल्स एक स्ट्रीम के रूप में धारा के रूप में ऊपर है, कहां से कहां तक, फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड,
निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, इसलिए समझने के लिए बताया कि निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, कैटायन को कक्षीय ना कैथोड, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हमारा तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड था उससे धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ धारा प्रवाहित हुई। यहाँ पे आप यहाँ से क्यों हुई, आपने अगर घर में पता हो आपको तो घर में जब करंट आती कहीं भी किसी भी सर्किट में जब करंट जाती है तो धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह डिफरेंट होता है ना। अगर धारा कैसे जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कभी आप देखिए तो छू के मत देखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, छुएगा नहीं उसको। पढ़ा होगा तो यही बताया जाता है कि जो धारा होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, लेकिन जो करंट होती है करंट की दिशा उसके सेम विपरीत होती है। तो करंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव आयन, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। देखिए आगे क्या है, दीज वेर कॉल्ड कैथोड रे। अब हमें कैथोड रे मिल गई ना, ये जो रेज मतलब जो किरणें निकलती है कैथोड से सफिशियंटली मैंने पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज देने के बाद जो किरणें कैथोड से निकलती हैं उसी को हम कैथोड रेज बोलते हैं, मतलब कैथोड किरणें या कैथोड रेज पार्टिकल यानी कैथोड रेज कण ये बोल सकते हैं। अब इसी प्रैक्टिकल को फिर इन्होंने दूसरे तरीके से किया, सेम इसी प्रैक्टिकल को, तो आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रैक्टिकल इन्होंने कैसे किया। सेम वही प्रैक्टिकल इन्होंने किया कि इसमें करंट का फ्लो सेम वैसे ही किया, कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो किया, लेकिन कैसे किया, ए होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड, कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फास्फोरसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। कह रहा है कि इन्होंने सेम वही प्रैक्टिकल किया लेकिन एनोड की तरफ, किरण कैथोड से चल रही थी तो इन्होंने एनोड में छोटा सा छिद्र किया। देख रहे हैं आप फिगर में ना कि एनोड में इन्होंने बहुत ही छोटा सा छिद्र किया, जिससे क्या हुआ, उसके बाद एनोड के बाद जो पीछे ट्यूब का हिस्सा था उसको इन्होंने फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंट मटेरियल, ये बात आएगी फास्फोरसेंट और फ्लोरसेंट मटेरियल क्या होते हैं, तो ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें अगर हम थोड़ा सा लाइट दे दें कुछ निश्चित समय के लिए लाइट दे दें तो ये उस लाइट थोड़ा सा निश्चित समय के लिए लाइट दें फिर बंद कर दें तो वो लाइट कुछ देर के लिए उसमें रहती है। जैसे आप ध्यान दें तो रॉड की बात करें, जो रॉड लगे होते हैं शादी ब्याह में आप देखते हैं रॉड लगे होते हैं ना, तो उसी रॉड में जब एक बार जल जाता है, रॉड को बंद होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ना बुझने में, है ना, थोड़ा टाइम। इसी तरीके से ट्यूबलाइट का यूज करते थे हम, अभी भी करते हैं ट्यूबलाइट का यूज, तो उसमें जब लाइट कट जाती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे यहाँ से कट जाती है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो उसके बाद ये ट्यूबलाइट थोड़ी देर तक जलता रहता है ना, तो इसी को बोलते हैं फास्फोरसेंट। ऐसे मटेरियल जिसको अगर एक बार लाइट दे दी जाए कुछ समय के लिए और लाइट का कनेक्शन हटने के बाद भी वो थोड़े समय जलते रहे या थोड़े समय उजाला करते रहे तो उसको हम फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी मटेरियल जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड जो होता है ये बहुत जगहों पे आप पढ़ेंगे तो जिंक सल्फाइड का यूज होता है फास्फोरसेंट मटेरियल के रूप में। तो जिंक सल्फाइड का कलर कर दिया, मतलब जिंक सल्फाइड की एक लेयर उस एनोड के पीछे उस ट्यूब की दीवार पर लगा दी गई है। तो क्या वेन दीज, मतलब जब वो रेज निकलती हैं, देखें आप फिगर में देख सकते हैं कि जब कैथोड से किरणें निकल जा रही है तो उस पे जो लेयर लगी हुई ना तो उसमें क्या बन रहा है, एक स्पॉट बन रहा है, देख रहे हैं ना। आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, ए ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। आप देख सकते हैं कि जब किरणें एनोड से टकरा रही है और उस छिद्र के थ्रू जा रही है उस साइड, तो एक स्पॉट बन रहा है उस पे, क्या होता है कि एक स्पॉट बनता है, कहाँ, चमकीला चिन्ह, एक चमकीला चिन्ह बन रहा है उस एनोड के पीछे वाली दीवार पर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग की गई है उस पे हमको एक चमकता हुआ स्पॉट, चमकता हुआ बिंदु दिखाई दे रहा है ना। तो ये इन्हीं का अब हम रिजल्ट देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल के थ्रू हमको एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने, जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें जो हमें रिजल्ट मिला, तो अब हम उसको देख लेते हैं। हमको तीन चार रिजल्ट मिले थे इनके, तो हम उन रिजल्ट को देख लेते हैं। आप फिगर को देख लीजिए अच्छे से, फिगर में एक बार फिर से बता दें तो सेम वही प्रैक्टिकल जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया वही प्रैक्टिकल किया, बस थोड़ा सा काम यहाँ पे किया, जो एनोड प्लेट थी उसमें हल्का सा छिद्र किया और एनोड के पीछे वाली दीवार पर इन्होंने फास्फोरसेंट या फ्लोरसेंट मटेरियल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त या स्फुरदीप्त, हिंदी में बोलते हैं स्फुरदीप्त, तो इसका इन्होंने लेप लगा दिया जो कि था जिंक सल्फाइड। फिर जब इसमें से करंट फ्लो हुई, मतलब ये जो कैथोड रेज फ्लो हुई, तो एनोड के पीछे हमको एक
ब्राइट स्पॉट मिला, मतलब चमकीला पॉइंट मिला जो कि बहुत चमक रहा था। तो इसी के बारे में बताया। फिर इसका जो रिजल्ट था इसको हम देखते हैं, अपना तीन चार रिजल्ट इसमें दिए गए हैं। तो देखिए जो इन्होंने रिजल्ट आया उस एक्सपेरिमेंट यानी उस प्रयोग को करने के बाद जो रिजल्ट आया जो इन्होंने दिया, फैराडे ने क्या दिया, द कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। मतलब जब पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज दी गई तो देखा गया कि जो किरणें थी वो कैथोड से निकल रही थी। पहले तो पता नहीं था कि किरणें एनोड से निकलेंगी या कैथोड से निकलेंगी, लेकिन जब सफिशियंट पर्याप्त मात्रा में वो उन्होंने वोल्टेज दिया तब उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें निकल रही है वो कहां से, कैथोड से निकल रही है, और कैथोड से निकल रही सीधा वो एनोड की तरफ जा रही है। क्यों एनोड की तरफ जा रही है ये बताया नहीं इन्होंने, लेकिन अगर हम वैसे समझे तो एनोड जो था वो कौन सा चार्ज था, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड किरणें थी वो निगेटिव चार्ज के साथ थी ना। देखिए द कैथोड स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, मतलब कैथोड किरणें चलना शुरू करती है कैथोड से और पहुंच जाती है कहां पे, एनोड पे। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था द रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स। क्या वो किरणें जो थी वो खुद विजिबल नहीं थी, मतलब हम खुद वो किरणों को देख नहीं पा रहे थे जब वो चल रही थी माध्यम में, तो उन्होंने किरणों को देखा नहीं, लेकिन बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। लेकिन जो उनका बिहेवियर, उनका जो व्यवहार था वो किस रूप से देखा गया, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, कुछ निश्चित मटेरियल्स के रूप में, मतलब कुछ निश्चित मटेरियल के दौरान उसके बिहेवियर को देखे। वो मटेरियल कौन से थे, फ्लोरसेंट और फास्फोरसेंट, मतलब स्फुर्दीप्त या प्रदीप्त मटेरियल, वही मटेरियल जिसको अगर थोड़ी देर के लिए लाइट दे दिया जाए उसके बाद पावर कट करने के बाद भी वो कुछ देर तक जलता रहे, कुछ देर तक लाइट देती रहे, प्रकाश करता रहे, तो उसी को फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंट बोलते हैं। तो विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, मतलब वो जो मटेरियल्स थे जब इनका बिहेवियर, कैथोड रेज का बिहेवियर देखा गया तो कैसा था, वो खुद तो अपना बिहेवियर शो नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने उस फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंट मटेरियल को यानी स्फुर्दीप्त या प्रदीप्त धातु को हिट किया, मतलब टच किया, कैसे उसे जब टकराया तो वहां पे एक स्पॉट बना था। हमने फिगर में देखा था कि उसमें एक स्पॉट बना था, है ना, एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक स्पॉट बना था जब हमने एनोड की प्लेट में छेद किया और उसके पीछे किसी फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंट मटेरियल का लेप लगाया ना, तो वही कह रहा कि विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, जब उससे टकराया तो वो चमकने लगा, चमकीला स्पॉट मिला था हमको ना, वही कह रहे कि वो खुद तो अपना वो विजिबल नहीं है, स्वयं विजिबल नहीं है जो किरणें है कैथोड किरणें, लेकिन जब वो एक किसी निश्चित फ्लोरसेंट या फास्फोरसेंट मटेरियल से टकराती हैं तब वो चमकीला, चमकीले होने का गुण, मतलब वो तब वो चमकने लगती हैं, एक स्पॉट बनती है चमकने का ना। तो इन्होंने दूसरा नियम बताया, मतलब दूसरा पॉइंट दिया, और तीसरा पॉइंट इनका था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज उनके बीच में ना हो, उन रेज के बीच में इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज ना हो, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ना हो, तो दीज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो किरणें चल रही हैं, देख रहे हैं आप कि अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब ये सीधे सीधे रास्ता में चल रही है, मतलब सीधे रास्ते में सीधे जाके एनोड से टकरा रही है। और फिर इन्होंने ये इनका तीसरा और चौथे नियम देखिए, इसी का जस्ट सेम इसी को क्लियर करने के लिए होता है, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, एब्सेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद, मतलब या तो विद्युत क्षेत्र लगाए या चुंबकीय क्षेत्र लगाए, क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द कैथोड रेज बिहेव्स एज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। आई ना बात यहाँ पे हमें पता चला कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, निगेटिव निगेटिवली चार्ज होती हैं। कह रहा कि जब हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को लगाते हैं, जो जो ये कैथोड किरणें हैं ये किस तरीके का व्यवहार करती हैं, निगेटिवली चार्ज, मैंने एक ऋणायनक जिसके ऊपर ऋण चार्ज हो उसके रूप में, ऋणायनक मैंने ऋण आयन चार्ज की तरह व्यवहार करती है, ऋण आयन पार्टिकल, मतलब कहते हैं जो ऐसा पार्टिकल ऐसा कण जिसमें ऋण चार्ज ऋणात्मक चार्ज हो तो उसकी तरह व्यवहार करती है। और क्या होता है सजेस्टिंग, मतलब ये बता रहा है ये उनका, मतलब उन कैथोड किरणों का इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इतना बिहेव करना, व्यवहार देना, या बता रहा है कि द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, तो ये
इसे निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्होंने अपने चौथे नियम में, चौथे पॉइंट्स में यही बताया कि जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो ये किरणें एक निगेटिव चार्ज की तरह, निगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जिसे दर्शाता है हमको, मतलब ये हमको इस तरीके से इंडिकेट करता है कि ये जो किरणें हैं, कैथोड किरणें, ये निगेटिव पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी इनमें एक पॉइंट और इन्होंने दिया था, उस पॉइंट को भी हम देख लेंगे। हाँ देखिए, हमने जो अपना दूसरा पॉइंट हमने इनके बारे में बताया था, फास्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट मटेरियल वाला, उसमें हम कैथोड रे ट्यूब देख सकते हैं, जो हम सभी घरों में, टीवी तो होगा यानी टेलीविजन सभी घरों में होगा, तो जो टेलीविजन पे हम फिगर यानी चित्र जो देखते हैं, इमेज जो देखते हैं टेलीविजन पे, किस तरीके से हमको दिखाई देता है, कभी सोचा हो तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमको दिखाई देता है। ना जानते हो तो मैं बता दूं कि वो भी एक कैथोड रे ट्यूब है, जो अगर आपने टीवी कभी खुला हुआ देखा, टीवी की बनवाने अगर बिगड़ा हुआ तो बनवाने जरूर गए होंगे, तो उसमें आपने देखा कि जब वो टीवी को खोलते हैं, पीछे से कवर हटाते हो, एक लंबी सी बनी होती है, आगे इतना चौड़ा लेकिन पीछे छोटा सा ना, तो कैथोड रे ट्यूब ही है, उसको टेलीविजन, वो कैथोड रे ट्यूब ही हम उसको बोलते हैं। उसमें भी यहाँ पे जब पीछे लगा होता है छोटा सा, उसमें जब लाइट दी जाती है तो यहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो उसी फ्लोरोसेंट ट्यूब पे जाती हैं, मतलब वो जो शीशा लगा होता है कि हम बाहर से देखते हैं, लेकिन ये जो उसके पीछे जो कलई की जाती है, मतलब वो लेप लगाया है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब का लगाया जाता है। इसलिए कभी देखिए, जब टीवी में भी आपने देखा, कभी भी जब अचानक पावर कट हो जाती है तो धीरे से टीवी बंद होती है, एक बैग तो फिगर खत्म हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होता है ना, धीरे से समझ सकते हैं कि खत्म होता है, लेकिन उसमें कुछ स्पॉट रह जाता है, उसके बाद धीरे से वो खत्म होता है कभी कभी ना, तो वही कि वो भी एक कैथोड रे ट्यूब ही है। कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से ही हम टीवी पे चलचित्र यानी चित्र को देखते हैं। तो अगला पॉइंट इनका जो था, क्या पांचवा पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन, हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स या कैथोड रेस का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, यानी जो उनका व्यवहार यानी उनके जो गुण होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी पे मतलब किसी पे ना, तो उस कैथोड के मटेरियल पे कि वो कैथोड जो किस धातु का है उस पे भी डिपेंड नहीं करते, और दूसरा जो उसमें ट्यूब में गैस होती है उस गैस के प्रकृति पे भी निर्भर नहीं करते। सीधे कह सकते हैं कि जो कैथोड रेस होते हैं उनका जो गुण, उनके जो गुणधर्म होते हैं, वो ना तो उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और ना ही उस कैथोड रे ट्यूब में जो गैस भरी गई है उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ना तो उस पे, ना तो गैस पे, और ना ही उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे, ये इन्होंने बताया। फिर इनका जो सभी एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन, सभी पॉइंट्स का जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी, कोई भी एटम हो, आप प्रकृति में कोई भी एटम्स ले लीजिए, उन सभी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम्स का, वो होगा इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी एटम्स का, मतलब सभी परमाणुओं का मूल कण है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वही कण बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स है जो जिससे मिलके कोई एटम्स बन रहा है, मतलब किसी भी एटम्स का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो ये हमारा था इनका प्रैक्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कर ली कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब हम इलेक्ट्रॉन खोज हुई भाई तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, तो हम इन प्रॉपर्टीज पे पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे चार्ज। तो अगली हेडिंग हम डाल सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले चार्ज टू मास रेशियो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका रेशियो क्या है, मतलब उनका अनुपात है क्या। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब हम बात करते हैं कि उस साइंटिस्ट का काम अब आ गया कि जिसको इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को खोजने का काम तो माइकल फैराडे ने किया, लेकिन श्रेय किसको जाता है, हम जानते किसको, हमको बचपन से किसके बारे में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे.जे. थॉमसन, इनका मॉडल भी है इलेक्ट्रॉन की खोज पे, उसको भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अब बारी आई जे.जे. थॉमसन की, जे.जे. थॉमसन ने किया क्या इलेक्ट्रॉनों की खोज में, तो देखिए हम उसके लिए क्या, जे.जे. थॉमसन निकालता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन के मास, हम बताए कोई भी कण होगा तो उसका कोई ना, जब हम पहली
पहला यूनिट पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। जब हम इसको पढ़ा रहे तो हमने बताया था ना कि अगर कोई भी कण होगा, पदार्थ होने के लिए हमने एक कंडीशन लिखवाई थी कि कोई भी कण है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो निश्चित होगा और वो कुछ ना कुछ स्थान भी घेरेगा। यही प्रॉपर्टी बताई ना कि अगर किसी को भी मटेरियल कहें तो वो उसमें ये प्रॉपर्टी एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो कुछ ना, चाहे वो हमको कोई भी तराजू यानी कोई भी कांटा रखना पड़े उसका द्रव्यमान को नापने के लिए उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और कुछ ना कुछ वह स्थान घेरना चाहिए। तो बात वही आई कि जेरे थॉमसन ने उस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उसका द्रव्यमान और उसका जो चार्ज था, चार्ज पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल तो पहले था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसी का इन्होंने रेशियो निकाला, क्या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला। देखिए क्या किया इन्होंने इन 1897, ये ब्रिटिश के थे, मतलब ब्रिटेन के थे, अंग्रेजों के अंग्रेज थे ये। देखिए क्या इन 1897 मतलब 1897 में ब्रिटिश साइंटिस्ट फिजिसिस्ट मतलब भौतिक वैज्ञानिक थे। आप देखेंगे जितने भी वैज्ञानिक है वो भौतिक हों चाहे केमिस्ट्रीज हों यानी रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक हों या बोलते तो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हों, सभी में उन्होंने इन लोगों ने जाके जूलॉजी और बॉटनी में भी प्रयोग किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वहां भी कुछ चीजें दी हैं, अपने अपने तथ्य दिए हैं। तो यहाँ पे फिजिसिस्ट मतलब भौतिक वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री में आए। देखिए क्या ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे.जे. थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई, इलेक्ट्रिकल चार्ज को इसे दर्शाएंगे, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को हम इस सिंबल से दर्शाएंगे एम और नीचे ई प्रीफिक्स के रूप में लगाएगा। देखिए क्या टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहने है? कह रहे हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन था उसके चार्ज और मास का रेशियो दिया, लेकिन किस तरीके से उसके लिए भी इन्होंने कैथोड रे चार्ज ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया। देखिए लिखा ना मेजर द इसका मेजर द इलेक्ट्रिकल चार्ज ई टू मास इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब का यूज इन्होंने किया एंड अप्लाइंग इन्होंने उस कैथोड रे ट्यूब में क्या अप्लाई किया इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने उस पर अप्लाई किया, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कहां पे टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ परपेंडिकुलर, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड था यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र था वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, मतलब एक दूसरे के लंबवत था, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड की किरणें निकल के जा रही थी एनोड की तरफ उसके भी परपेंडिकुलर लगा है। तो अभी आपको फिगर दिखाते हैं, तो उसके भी परपेंडिकुलर लगा कि इन्होंने तब क्या निकाला था इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच में अनुपात। अब आप फिगर देख सकते हैं इसका कि किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया था उसको, देख रहे हैं ना कि आप एक कैथोड है एक एनोड बना हुआ है, कैथोड से आप देखिए रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर की किरण एनोड की तरफ जा रही है, एनोड में एक छोटा सा छिद्र है, ठीक एनोड में छोटा सा छिद्र, और फिर देखिए लिखा हुआ है जो ये काले काले रंग में लगा हुआ है उसको मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक लिखा है ना नीचे मैग्नेट, फिर ये जो ऊपर नीचे से प्लेट दो लगी हुई है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पे प्लस चार्ज बना हुआ है ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे निगेटिव चार्ज लगा है, और पीछे देखिए वो ये आपको टीवी की तरह दिख रहा है कि टीवी का आगे वाला हिस्सा देखिए तो वैसा ही है ना टीवी का आगे वाला हिस्सा, तो वही आगे स्फुरदीप्त स्क्रीन यानी फ्लोरसेंट स्क्रीन, ठीक यही कोटिंग की गई है। तो बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या, इन्होंने इसको लगा के देखा क्या किस तरीके से इन्होंने मास इसको निकाला। देखिए कह रहे हैं कि जो इसका अरेंजमेंट था वो था विद्युत क्षेत्र की, केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर, मतलब जब विद्युत क्षेत्र ओनली विद्युत क्षेत्र लगाते हैं यानी जब ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तब ये विचलित होकर के ए बिंदु पर जा रहा है, देखिए ए बिंदु पर जो ट्यूब है उसके ए बिंदु पर चला जा रहा है, देख रहे हैं ना कि ये बिंदु दर्शाया गया है उस स्फुरदीप्त स्क्रीन पे मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दर्शाया गया ना पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए पे चला जा रहा है कब जब सिर्फ विद्युत क्षेत्र लगाया जा रहा है, लेकिन जब इसमें केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है तब ये विचलित होकर के अपने मेन मार्ग से विचलित होकर के पॉइंट सी पे चला जा रहा है, ठीक पॉइंट सी पे इसी विचलन को नापेंगे। देखिए अभी कैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को सावधानी पूर्वक संतुलन से, मतलब जब हम विद्युत अभी तो हमने अलग लगाया है विद्युत को लगाया तो वो चला गया पॉइंट ए पे किरणें, और मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो किरणें चलेंगी पॉइंट सी पे, लेकिन जब हम
विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को इस तरीके से संतुलित करते हैं कि साथ में लगाना है। हमने साथ में लगाया है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको साथ में लगाया गया और इस तरीके से इसको संतुलित किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यानी जो कैथोड किरणें थी जो कैथोड से निकल के एनोड पर जा रही थी और एनोड से पास करके उस पॉइंट यानी जो एनोड में छोटा सा छिद्र किया गया उसको पार करके जो आगे जा रही थी वो पॉइंट बी पर यानी अपने सीधे मार्ग पर चली जाए, है ना, अपने सीधे मार्ग पर चली जाए, तब ऐसी स्थिति में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को व्यवस्थित किया और पर्दे पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट बी से सब टकरा रहे हैं। जब हम बराबर इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये किरणें सीधे सीधे पॉइंट बी पे टकराती हैं, ठीक है। तो ये इनके इस ऑपरेटस का जो अरेंजमेंट था कि ऑपरेटस को किस तरीके से अरेंज किया गया, अब इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उसको देखिए क्या प्रैक्टिकल इन्होंने किया। तो अब देखिए प्रैक्टिकल इन्होंने क्या, द अमाउंट ऑफ डेविएशन इन्होंने निकाला कैसे, इन्होंने इसको निकालने के लिए क्या किया, देखिए द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम दियर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। अब इन्होंने बताया कि ये क्यों एक दूसरे से, क्यों एक अपने निश्चित पाथ से ये ऊपर नीचे हो जाने, क्योंकि इनका जो पाथ है वो पॉइंट सी बी पे ही जाना चाहिए लेकिन ये अपने पाथ से हट जा रही है, पॉइंट ए पे चली जा रही है, अपने पाथ से हट के पॉइंट सी पे चली जा रही है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये अपना पाथ छोड़ जा रही है, उसको डेविएशन बोलते हैं, जब निश्चित पॉइंट से हट के तो निश्चित पॉइंट जहां पे जाना उससे हट जाए कोई तो उसको डेविएशन बोलते हैं। जैसे हमको कहीं जाना हो और हम कहीं और चले जाते हैं उसको डेविएशन ही बोलेंगे कि हाँ हमको जाना था कहीं और हम पहुंच गए कहीं। तो इसको देखते हैं इन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स के यानी कैथोड किरणों के जो पाथ होते हैं वो अपने मार्ग से डेविएट यानी विचलित क्यों हो जाते हैं। तो जे.जे. थॉमसन ने क्या बताया कि ये जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से डेविएट करता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है कि वो सीधे रास्ते पे चले डिफ्लेक्ट होकर यानी डेविएट करके पॉइंट ए पे चला जाए या पॉइंट सी पे चला जाए। देखिए क्या होता है इन्होंने कि पहले होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, मतलब जो ऋण चार्ज की मात्रा होगी उस पार्टिकल पे यानी उस इलेक्ट्रॉन पे जो ऋण चार्ज की मात्रा होगी पहला उस पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर उस पर जो चार्ज होगा ज्यादा हो या कम हो तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना डेविएट होगा, मतलब कितना अपने मार्ग से विचलित होगा, क्या किस तरीके से डिपेंड होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द ऑन द पार्टिकल, मतलब अगर उस पार्टिकल पे जो चार्ज है नेगेटिव वो ज्यादा होगा तो क्या, ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड थस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना उसका इंट्रैक्शन माने होता है लगाव या जुड़ाव, मतलब उसकी तरफ जाना, तो ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि जब चार्ज उस पार्टिकल पे ज्यादा होगा तो उसका जो इंट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएगा। अगर उस पर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया और उसका चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो सीधे से एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो गया और निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बताया ना कि जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, तो वही होगा कि मान लीजिए एक समान हो, ये एक समान मान लीजिए एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आए और निगेटिव चार्ज उस पर जाना हो, मान लीजिए हम ऊपर वाले को निगेटिव चार्ज मान लेते हैं और नीचे वाले को पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन आके इसे गिर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव चार्ज के नजदीक गया, मान लीजिए निगेटिव चार्ज इसके नजदीक गया तो ये उसको रिपेल करके नीचे भेजेगा और जो नीचे पॉजिटिव चार्ज है ही, और जब ये यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निगेटिव चार्ज की तरफ और रिपेल हुआ तो सीधे नीचे आएगा तो ये इसको खींच लेगा क्योंकि चार्ज की मात्रा इस पे ज्यादा है। वही कह रहा है कि अगर उस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी तो वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट अपने मार्ग से बहुत ज्यादा डेविएट करेगा, अपने मार्ग से बहुत ज्यादा मात्रा में विचलित हो जाएगा, यही सीधे से करेंगे अगर आवेश ज्यादा तो मार्ग से विचलन ज्यादा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, द मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल यानी उस इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से उस मास पे, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब अगर पार्टिकल हल्का है तो वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब अपने मार्ग से बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा, अगर पार्टिकल भारी है तो वो अपने मार्ग में ही रहेगा लेकिन अगर बहुत ज्यादा हल्का है तो वो अपने मार्ग से हट जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल आर मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होता है कि ये
उसका जो पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस माध्यम उस अरेंजमेंट में लगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी मात्रा पे डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि ये उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का विचलन जो होगा फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इसके निश्चित पाथ से इसका जो विचलन होगा अगर हम इंक्रीज इन द वोल्टेज वो ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे पाथ इंक्रीजेज मतलब जो विचलन होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, कम जब विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स मतलब उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, आप फिगर में देखिए एनोड और कैथोड के बीच में जब विभव यानी वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता ही है और अगर इस पे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए कोई भी पार्टिकल इसमें जाए तो तुरंत रिएक्ट कर जाए। तो अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर वाले को निगेटिव नीचे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया मान लीजिए एक समान और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये क्या होगा, सीधे से इसकी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम होता है तो ये ज्यादा होने की वजह से इस पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, यही कह रहा है। और क्या, आर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी मात्रा पे भी निर्भर करेगा, यानी जो अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ा दें, लिखा ना आर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज के साथ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को बढ़ा दें मतलब बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो भी जो इलेक्ट्रॉन होगा और ऋणात्मक होने की वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अपने मार्ग से कहीं हल्का सा डेविएशन होना हो, अगर एक समान में फील्ड हो मतलब एक समान मैग्नेटिक फील्ड है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जो डेविएशन हल्का सा होना है अगर उस फील्ड की मात्रा बढ़ा दी जाए तो डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर अपने मार्ग में बी पे आप फिगर में देखे होंगे तीन पॉइंट हमें थे ए बी और सी, तो मेन मार्ग जो था वो इलेक्ट्रॉन का वो बी पे था, लेकिन अगर हम मात्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो डिफ्लेक्शन आप ए बी पे देख रहे ए पे और सी पे देख रहे हैं ये डिफ्लेक्शन और भी ऊपर हो सकता है, ए से बी और ऊपर जा सकता है और सी से और नीचे जा सकता है। इसलिए कह रहा है कि ये डिपेंड करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा पे भी। इसलिए पहला क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पार्टिकल के निगेटिव चार्ज पे, उस पे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उस पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि उस पार्टिकल के मास पे, उस पार्टिकल का मास चार्ज के बारे में बात करें, अगर चार्ज ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होगा और अगर मास की बात करें तो मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम, और मास हल्का है उसका द्रव्यमान यानी उस पार्टिकल का मास कम है, द्रव्यमान कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। फिर तीसरे पॉइंट में क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी उसका क्षमता होगी विद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर विद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जे.जे. थॉमसन ने एक एक्यूरेट मेजरमेंट किया, किसका, अमाउंट ऑफ डेविएशन का, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के डेविएशन उस इलेक्ट्रॉन के विचलन का इन्होंने एक्यूरेट एक मेजर किया, जिसके थ्रू इन्होंने द्रव्यमान और आवेश और द्रव्यमान का रेशियो दिया था उस इलेक्ट्रॉन के। देखते हैं कि क्या रेशियो उन्होंने दिया था। तो जब जे.जे. थॉमसन ने बहुत ही एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ लगाया उस पार्टिकल के माध्यम पे, इलेक्ट्रॉन के माध्यम जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था उस पाथ के बीच में जब उन्होंने लगाया तो जो एक्यूरेट यानी निश्चित जो उसका डेविएशन उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन का निश्चित डेविएशन जब प्राप्त कर लिया तब उन्होंने ये रेशियो दिया जिसको बोलते हैं आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। देखिए ये रेशियो क्या दिया था, ई बाई एम ई, ई को हम दर्शाते हैं चार्ज ऑफ, ई को दर्शाते हैं हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसका जो मैग्नीट्यूड था उसकी जो मात्रा थी उसको, और ये एम ई दर्शा रहा है क्या, दर्शा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मैग्नीट्यूड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका रेशियो होता है कि 1.75 क्रॉस 10 की पावर 11 ये सी दर्शा रहा है कूलम COULOMB कूलम और ये है किलोग्राम देख सकते हैं हम किसी चार्ज को किसमें दर्शा रहे हैं चार्ज का जो मात्रा पता हो क्या होता है कूलम ना क्योंकि कूलम ने चार्ज की खोज की थी तो कूलम हुआ और मास का जो मात्रक होता है वो क्या किलोग्राम तो यहाँ पे मास बटे में था इसलिए किलोग्राम इनवर्स तो इन्होंने जो रेशियो दिया इसके किसी इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के आवेश के मैग्नीट्यूड का और उसके द्रव्यमान का वो रेशियो दिया 1.7588 मतलब 1.75882×10^11 कूलम किलोग्राम इनवर्स तो यही रेशियो इन्होंने दिया था तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना नेट आवेश इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है जितना निकाला गया था वो आवेश कितना निकाला गया हम बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है उसकी बात करते हैं। तो अब बात आती है हमसे कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय तो जे.जे. थॉमसन को जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज का श्रेय जाता है आर.ए. मिल्लिकन। इनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो इसी के थ्रू देखिए क्या आर.ए. मिल्लिकन डिवाइस द मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन्होंने एक तरीका निकाला एक मेथड निकाला जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की व्याख्या की गई किस तरीके से व्याख्या कितना इन्होंने उस व्याख्या से निकाला कि मतलब उस अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया 1.6×10^-19 कूलम कितना बताया 1.6×10^-19 कूलम ये जो सी आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कूलम चार्ज को हम कूलम में ही रखते हैं फिर लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू मानी जाती है जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है उसका वो उसकी वैल्यू है -1.602176×10^-19 कूलम। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे भी निगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए इसको माइनस ई से दर्शाया जाता है ठीक है जो चार्ज होगा वो माइनस उसके आगे लगाया जाएगा ठीक तो कितना वैलिड होगा चार्ज इस समय माना जाता है करंट में कितना -1.602176×10^-19 कूलम ये बताया जाता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता चल गया और हमें रेशियो पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का तो अब हम इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे देखिए क्या द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विथ थॉमसन वैल्यू मतलब जो थॉमसन ने थॉमसन वैल्यू ऑफ E बाय Me रेशियो मतलब जो थॉमसन ने दिया था E बाय Me रेशियो और रेशियो उन्होंने दिया था उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश और मास का रेशियो जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे मतलब कंबाइन करेंगे चार्ज को और उस रेशियो में तो देखिए क्या किया Me बराबर E बाय E बटा Me इसको कर सकते हैं भाई इसको ऊपर करें तो E कैंसिल Me बराबर Me हो जाएगा ठीक तो इसके बाद कितना 1.602176×10^-19 बटे 1.75882×10^11 कूलम केजी इनवर्स मात्रक आपको ठीक है ना कूलम केजी इनवर्स क्योंकि ऊपर जाएगा तो मात्रक ओनली केजी नीचे इनवर्स है लेकिन ऊपर जाने पे इनवर्स हट जाएगा तो ओनली केजी जाएगा देखिए कितना आया यमी जो इलेक्ट्रॉन का मास आया वो कितना 9.104×10^-31 किलोग्राम लेकिन हम न्यूमेरिकल्स का यूज जब न्यूमेरिकल में वैल्यू की यूज करते हैं तो इसको कितना लिखते हैं 1.6 और इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं ओनली 9.1 और × 10^-31 यहाँ भी उसी तरह −1.6×10^-19 कूलम ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। फिर ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी इलेक्ट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो हमने जाना और फिर जाना हमने कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में भी पता किया। अब इस वीडियो में यहाँ इसमें एक चीज और आया है क्या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आर.ए. मिल्लिकन ने मतलब आर.ए. मिल्लिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था ऑयल ड्रॉप मतलब तेल बूंद प्रयोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हिंदी में तेल बूंद प्रयोग इनके इस एक्सपेरिमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से
समझाऊंगा इनके आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को, और उसमें हम फिर हम अपने अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, और आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद हम अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारा बचा है प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, तो हम अपने अगले वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी क्या बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक एक चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से बताई है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।